देश में दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद डीसीजीआई का बड़ा बयान, 110% सुरक्षित है स्वदेशी वैक्सीन। उधर देश में इंतजारी घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब समय कोरोना को हराने का है और इसके लिए डीसीजीआई ने देश की सबसे बड़ी खुशखबरी पहुंचाई है। बल्कि एक खुशखबरी नहीं है, ये दो दो खुशखबरी है। दो दो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। खबर हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शुद्ध देसी टीका, एक नहीं टीके के डबल डोज तैयार। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए नए साल का तोहफा है, क्योंकि कोरोना पर प्रहार करने के लिए डीसीजीआई ने एक साथ दो टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए चुना है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई। सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली है मंजूरी। दोनों ही वैक्सीन भारत में ही बनकर तैयार हुई है। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ नोवेल कोरोना वायरस 2019 कोवैक्सीन यूजिंग डीएनए प्लेटफॉर्म। मेड इन इंडिया वैक्सीन से देश का कोरोना फ्री होना तय है, बस इंतजार टीकाकरण की तारीख तय होने का है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद देश का तीसरा वैक्सीन भी तैयार होने वाला है। डीसीजीआई ने कैडिला के ZYCoV-D वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को 3 डोज दिया जाएगा। नए साल में देश को सबसे बड़ी खुशखबरी, अब इंडिया होगा कोरोना फ्री। दो वैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन जायकोव डी भी है तैयार। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के मुताबिक कैडिला ने डीएनए प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन डेवलप किया है। तीसरे फेज के ट्रायल के लिए इसे मंजूरी दे दी गई है। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ नोवेल कोरोना वायरस 2019 कोवैक्सीन यूजिंग डीएनए प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला के लैब में कोरोना की तीसरी वैक्सीन जायकोव डी डेवलप की जा रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ एक साथ दो वैक्सीन की खुशखबरी पर देश खुश है। प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों को ट्वीट करके बधाइयां भी दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी की दूरदर्शिता और लगातार वैश्विक मेहनत के बाद देश को आज बड़ी खुशखबरी मिली। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी के बाद पीएम ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। कोरोना के खिलाफ भारत की मजबूत लड़ाई में आज एक निर्णायक मोड़ आया है, जहां डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये एक स्वस्थ और कोविड फ्री राष्ट्र के पथ पर भारत को तेजी से आगे बढ़ाएगा। भारत को बधाई, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बधाई। नए साल के 3 दिनों में कोरोना के खिलाफ जंग में ये तीसरी खुशखबरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।